हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। ये दोस्तों, मैंने 2 कटोरी कोकोनट पाउडर लिया है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके यहाँ ना मिले तो आप नारियल को मिक्सी में पीस कर इसका बुरादा इस तरह से बना सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने नारियल बचा के रखा है कोटिंग के लिए, और इसमें डालने के लिए मैंने चीनी ली है। जितना हमारा नारियल है उसकी आधी चीनी है, और थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर लिया है। ये खाने वाला कलर है, ये दोस्तों ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन लड्डुओं को व्हाइट कलर में भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। ये दोस्तों, मैंने लड्डू बनाने के लिए पैन रखा है, और पैन को हम गरम करेंगे। थोड़ा सा गरम होते ही हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे। और नारियल डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, बस हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है। हल्का सा 1-2 मिनट तक हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। देखिए, नारियल को मैंने 1-2 मिनट तक हल्का सा भून लिया है। अब हम दोस्तों इसमें 2 चम्मच हम इसमें दूध डालेंगे, और दूध डालने के साथ ही हम इसमें चीनी डाल देते हैं। और चीनी डालने के बाद हम इसको लगातार बराबर इसको चलाते रहेंगे। डालने के बाद हमें इसको बराबर इसको प्रॉपर चलाते रहना है। अगर दोस्तों आपको ये नारियल पाउडर सूखा सा लगे तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका परफेक्ट लगे लड्डू बनाने की कंडीशन में लगे तो आप इसमें दूध ना ऐड करें। और हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट ना हो जाए। देखिए, मिश्रण हमारा अच्छे से सूख चुका है। अब हमने जो फूड कलर लिया था, हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल देंगे। इससे दोस्तों लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे और कलरफुल दिखते हैं। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप कलर ना डालें, और बस 1 मिनट तक इसको और चला लेंगे। देखिए दोस्तों, मिश्रण हमारा अच्छे से सूख चुका है। और चलाते टाइम आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो ये चीनी बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाएगी और लड्डू बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। अब इस मिश्रण को हम ठंडा करेंगे। देखिए मैं दोस्तों, मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसको इतना ठंडा करना है कि आप हाथों में इसको लेकर छू सकें। अब हम थोड़ा सा मिश्रण उठाएंगे दोस्तों, और मिश्रण उठाने के बाद इस तरह हम इसको लड्डू बनाएंगे। आप लड्डू अपने मनपसंद आकार के बना सकते हैं। आप इस तरह लड्डू की शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप पेड़े की शेप भी दे सकते हैं। और देखिए, हमारा ये लड्डू एक बन के तैयार हो गया है। और अगर आपको एक हाथ से बनाने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या आप इस तरह दबाते हुए भी इसको बना सकते हैं। और लड्डू बनाने के बाद जो हमने सूखा नारियल लिया था उसमें इसको इस तरह से कोट कर देंगे। देखिए, मैंने नारियल में कोट कर दिया है। और इसी तरह से दोस्तों मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार करती हूँ। और दोस्तों, एक बार ये लड्डू आप बनाकर रखने के बाद कम से कम 1 महीने तक स्टोर करके इसको खा सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए ये लड्डू बना रहे हैं तो आप इसमें घी जरूर डालें। मैंने इसमें घी नहीं डाला है क्योंकि मुझे घी की जरूरत नहीं लगी। और अगर आपको घी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। और इसी तरह से मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, है ना कितना आसान मिठाई बनाना, और नारियल के लड्डू हमने कितनी जल्दी और आसान तरीके से झटपट से आपको बना के दिखाए हैं। और एक बार आप जरूर बनाएं अपनी फैमिली के लिए। और दोस्तों, ये मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैंने 1 पेड़े के आकार में बनाया है, और सारे मैंने लड्डू का आकार दिया है। और दोस्तों, आई होप हमारी वीडियो आप सबको जरूर पसंद आएगी। और पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।